हेलो गाइस, मेरे इस चैनल कुंदन्स वर्ल्ड पे आप सब लोग का स्वागत करता हूँ। चलिए देखते हैं आदि पुरुष पे जो हमारे पहले राम लक्ष्मण हैं उनका क्या राय है वो देखते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, और कमेंट भी कर दीजिएगा। मेरे ख्याल से ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन वाली बात हो गई कि जूते उतार के लिखे, जूते उतार के अगर ये डायलॉग लिखे उन्होंने, आई एम सॉरी, मैं बहुत उनकी इज्जत करता हूँ, अगर उन्होंने जूते उतार के ये डायलॉग लिखे हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, तिल तेरे बाप का, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती है। ये डायलॉग कभी एक जूते उतार के नहीं लिख सकता आदमी। तो लक्ष्मण जी ने तो सीधे बोल दिया कि ऐसे कोई जूते उतार के ऐसा डायलॉग लिख ही नहीं सकते जो हमारे हनुमान जी ने, राम जी ने बोला है। तो ठीक है, तो आदि पुरुष पर अब राम जी का क्या राय है वो चलिए देखते हैं। कुर्सी पर बैठा हुआ था, इतने में एक औरत वहाँ चिल्लाती हुई आई कि राम जी कहाँ है, राम जी कहाँ है, राम जी कहाँ है। उसकी गोद में उसका एक बच्चा था जो आधा कपड़ा उसने उड़ाया हुआ था उसको, और लोगों ने, किसी ने कह दिया कि वो देखो वो बैठे हैं राम जी। हालांकि मुझे उस गेटअप में उस दिन, मतलब मैं टी शर्ट और हाफ पैंट में था और ऊपर रिंग वगैरह भी लगा हुआ था, तो कुछ अजीब सा शायद लग रहा होगा मैं उस वक्त। पर वो उस औरत ने देखा उसके हाथ में, उसकी गोद में उसका बच्चा था, उसने अपना बच्चा मेरे पाँव में रख दिया। वो जार जार रोने लगी कि मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, ये मर जाएगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। मैंने कहा इसे डॉक्टर के पास ले जाओ तुम। बोले नहीं, डॉक्टर के पास नहीं, तुम्हें इसे बचा सकते हो। मुझे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया। मैं मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मैंने परमात्मा से सिर्फ इतना मांगा उस दिन, उसका दुख देखकर, उसका दर्द देखकर, उस बच्चे की तरफ मैंने देखा कुछ सेकंड, और मेरे मन में एक ही बात आई कि परमात्मा इसके बच्चे को ठीक कर देना था। और मैंने कहा कि तुम ले जाओ इसे और देखो डॉक्टर को ज़रूर दिखा देना इसको तुम। और वो उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ के उस बच्चे के सर पर रखवा दिया और उसके बाद वो ले गई उस औरत। मेरे भी मन से वो मतलब बात आई गई हो गई। तीन दिन बाद वो बच्चा जो उस दिन उसका मर जाने वाला था, बिल्कुल लिटरली जैसा वो कह रही थी, तीन दिन बाद वो बच्चा उसकी उंगली पकड़ कर चला आ रहा था। ये मेरा कुछ किया हुआ नहीं था उसमें, ये विश्वास था उस औरत का राम जी में और मेरा राम जी में कि राम जी इसके बच्चे को ठीक कर। ये होता है परमात्मा, ये होता है विश्वास, ये होती है हमारी आस्था। जब हम फिल्म बनाते हैं या कोई काम करते हैं तो हमारे मन में ये होना चाहिए परमात्मा के प्रति, उसके लोगों के प्रति, तब बनती है फिल्म।